शुभ प्रभात। मैं गौरव मीणा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में कक्षा 10वीं ब का छात्र पुस्तकालय सप्ताह के आज के कार्यक्रम पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत प्रसिद्ध कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना उसने कहा था कि समीक्षा करने जा रहा हूँ, जो कुछ उस प्रकार है। इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ तथा उनका निधन 13 सितंबर 1922 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। गुलेरी जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं मुखमय जी, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा उसने कहा था। प्रस्तुत कहानी उसने कहा था में गुलेरी जी ने भावनात्मक प्रेम संबंधों का बहुत ही सुखद चित्रण किया है। अमृतसर के बंबू काट बाजार से शुरू होती है कहानी, लंबे अंतराल के बाद सीधे फ्रांस की युद्ध भूमि में पहुंच जाती है। प्रेम और त्याग की मिसाल स्थापित करती इस कहानी में 8 वर्षीय बालिका के बाल सुलभ प्रेम में एक 12 वर्ष का बालक अपनी प्रौढ़ावस्था में उसके कहने पर क्या कुछ कर जाता है, इसका हृदयग्राही वर्णन हुआ है। लहना सिंह और उसके सुबेदारनी के कहने पर युद्ध में मरणासन्न अवस्था में उसके पति और बेटे की रक्षा करता है। यह था कहानी का मुख्य सारांश। अब इसके प्रमुख मुख्य पात्र जो पुरुष है वह है लहना सिंह, सुबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह और उप मुख्य पात्र कीरत सिंह, लप्टन साहब, अब्दुल्ला, डाक बाबू और कहानी की एकमात्र मुख्य महिला पात्र सुबेदारनी, जो कहानी की 8 वर्षीय बालिका आगे चलकर सुबेदारनी का पात्र अदा करती है। कहानी के प्रमुख तथ्य, इस कहानी के प्रमुख तथ्य कुछ इस प्रकार है। उसने कहा था कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है, जो कि प्रेम और त्याग पर आधारित है। कहानी में पंजाबी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहानी के प्रथम विश्व युद्ध का चित्रण है। धन्यवाद।